नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया आईटीआई चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, जिससे मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले अपकमिंग वीडियो जो है वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है उसमें जो मैंने क्वेश्चन डाला है शत प्रतिशत चेक करके डाले हैं, तो भी किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। ऑप्शन ए दिया है 1/1000, 1/100 इंच। ऑप्शन बी दिया है 1/10000 इंच। ऑप्शन सी दिया है 1/1000 इंच। और ऑप्शन डी दिया है 1/1 लाख इंच। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/1000 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें आपको पूछा गया है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर एक इंच में चूड़िया होती है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर दिया है यहाँ पे आपको, मीट्रिक माइक्रोमीटर नहीं दिया है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर दिया है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर एक इंच में चूड़िया होती है। ऑप्शन ए 50, बी 25, सी दिया है 30 और डी दिया है 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर एक इंच में जो चूड़ियों की संख्या होती है वो होती है 40। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं, जो माइक्रोमीटर होता है उसके पार्ट्स किस धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए फोर्ज स्टील, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन सी इनवर स्टील और ऑप्शन डी दिया है स्टेनलेस स्टील। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनवर स्टील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है, माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती है, जो माइक्रोमीटर होता है उसके स्पिंडल में कौन सी चूड़ी कटी होती है। ऑप्शन ए डबल स्टार्ट, बी ट्रिपल स्टार्ट, सी स्क्वायर चूड़ी और डी सिंगल स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें कौन सी चूड़ियाँ कटी होती है वो पूछा है ना, कौन सी थ्रेड, आपको थ्रेड का नाम नहीं पूछा है, कौन सी चूड़ी कटी होती है वो पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिंगल स्टार्ट थ्रेड। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए रैक और पिनियन, ऑप्शन बी एक ही माप के दो स्केलों का अंतर, सी दिया है नट और बोल्ट और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नट और बोल्ट के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं, सेफ माइक्रोमीटर मतलब सुरक्षित माइक्रोमीटर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जो प्रयोग न किया गया हो, ऑप्शन बी जिसमें रेचेट स्टाफ लगी हो वो कार्य करती है, ऑप्शन सी दिया है जो प्रयोग करने में आसान होती है और डी दिया है जिसके एनविल और स्पिंडल फेस सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिसमें रेचेट स्टाफ लगी हो वह कार्य करती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल के फेस बने होते हैं। ऑप्शन ए कार्बाइड, बी इनवर स्टील, सी दिया है स्टेनलेस स्टील और डी दिया है कार्बन स्टील। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कार्बाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 1/1000 mm। ऑप्शन बी दिया है 1/100 mm, ऑप्शन सी दिया है 1 माइक्रोन और ऑप्शन डी दिया है 1/50 mm। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/100 mm। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि जब होती है तब, आपको अब बताना है कि माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि कब होती है। जब ऑप्शन ए माइक्रोमीटर अधिक माप देता है, ऑप्शन बी थिम्बल की झीरो बैरल या स्लीव की झीरो या डेटम लाइन से आगे होती है, ऑप्शन सी थिम्बल की झीरो स्लीव की डॉटम लाइन की सीध में होती है और ऑप्शन डी दिया है थिम्बल की झीरो स्लीव की डॉटम लाइन से पीछे होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि तब होती है जब थिम्बल की झीरो बैरल या स्लीव की झीरो या डॉटम लाइन से आगे होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि वी एनविल माइक्रोमीटर से लिया गया माप होता है, जो वी एनविल माइक्रोमीटर होता है उससे लिया गया माप होता है। ऑप्शन ए जीरो रीडिंग खुली हो वह, ऑप्शन बी 2×D/2, ऑप्शन सी दिया है 5×D/2 और ऑप्शन सी दिया है 3×D/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 3×D/2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चूड़ी का
खालिस्तान चेक होता है, जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होते हैं उससे चूड़ी का क्या चेक होता है? ऑप्शन ए बाहरी व्यास, बी दिया है रूट डायमीटर, सी दिया है पीच और डी दिया है प्रभावित व्यास। तो दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चूड़ी का प्रभावित व्यास चेक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभावित व्यास। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर क्लियर अच्छे से दिखे। इसमें आपको पूछा गया है कि ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है, ट्यूब माइक्रोमीटर से क्या चेक होता है? ऑप्शन ए पाइप का बाहरी व्यास, ऑप्शन बी पाइप का अंदर का व्यास, ऑप्शन सी पाइप की मोटाई और ऑप्शन डी दिया है पाइप की लंबाई। तो दोस्तों ट्यूब माइक्रोमीटर से जो चेक होती है वह पाइप की मोटाई चेक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन ये है, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की विशेषता है, जो ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर होता है उसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन ए इसका अल्पतमांक 1/1000 mm होता है, ऑप्शन बी इससे 0 से 600 mm माप चेक होता है, ऑप्शन सी यह एक समय में दोनों प्रणालियों में माप देता है और ऑप्शन डी इसके एनविल रिप्लेसेबल होती है जिससे एक ही माइक्रोमीटर से 100 mm की रेंज में माप ले सकते हैं। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की विशेषता यह होती है, इसका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन डी कि इसके एनविल रिप्लेसेबल होती है जिससे एक ही माइक्रोमीटर से 100 mm की रेंज में माप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है फ्लेंज माइक्रोमीटर से स्पर गियर में चेक होता है, जो फ्लेंज माइक्रोमीटर से स्पर गियर का में क्या चेक होता है? ऑप्शन ए कोडल थिकनेस, ऑप्शन बी अंडरडेम, ऑप्शन सी डिडेम और ऑप्शन डी दिया है पिच। तो दोस्तों फ्लेंज माइक्रोमीटर के से स्पर गियर में कोडल थिकनेस चेक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडल थिकनेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है थ्री पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से खाली स्थान मिलीमीटर तक व्यास के सुराख मापे जाते हैं, मतलब थ्री पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से हम कितने मिलीमीटर व्यास के सुराख माप सकते हैं? ऑप्शन ए दिया है 0 से 25 mm, बी दिया है 10 से 20 mm, ऑप्शन सी दिया है 10 से 25 mm और ऑप्शन डी दिया है 5 से 20 mm। तो दोस्तों जो थ्री पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर होता है उसकी सहायता से हम 10 से 20 mm तक का सुराख माप सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसकी प्रमुख विशेषता है, जो डिजिटल माइक्रोमीटर होता है यह क्या एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसकी आपको विशेषता बताना है, कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए दिया है 0.001 mm की शुद्धता में माप, ऑप्शन बी इसमें त्रुटि नहीं होती है, ऑप्शन सी इसकी जीरो रीडिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं और ऑप्शन डी यह महंगे होते हैं। तो दोस्तों डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसकी जीरो रीडिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है डेप्थ माइक्रोमीटर में आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह फ्रेम और एनविल नहीं होती, इसके अतिरिक्त यह आउटसाइड माइक्रोमीटर से कैसे भिन्न है? जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसमें क्या नहीं होता, फ्रेम और एनविल नहीं होती, तो आपको यह बताना है कि इसके अतिरिक्त यह आउटसाइड माइक्रोमीटर से कैसे भिन्न है। ऑप्शन ए दिया है इसका अल्पतमांक 0.02 mm होता है, बी दिया है इसमें स्पिंडल पर चूड़ी नहीं होती है, सी दिया है इसमें अशुद्धि नहीं पड़ती है और डी दिया है इसमें थिम्बल द्वारा ढके विभागों की रीडिंग ली जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें थिम्बल द्वारा ढके विभागों की रीडिंग ली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है वर्नियर के कैलिपर का सिद्धांत क्या होता है, मतलब वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए दिया है यह एक ही माप के दो स्केल मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर कार्य करता है, ऑप्शन बी दिया है यह रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी दिया है स्पर गियर और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ऑप्शन डी दिया है नट और बोल्ट दोनों। तो दोस्तों जो वर्नियर कैलिपर होता है वह एक ही माप के दो स्केल अर्थात मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की शुद्धता होती है, जो मीट्रिक प्रणाली होती है उसमें आपको वर्नियर कैलिपर की शुद्धता पूछी गई है। दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में किसी भी जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सूक्ष्म मापी यंत्र बोलते हैं उसका डायरेक्ट आपको डिस्काउंट नहीं पूछा जाता, उसमें आपको क्वेश्चन में उलझाया जाता है, तो आपको इस प्रकार से इनडायरेक्टली उसका आंसर पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत गुना भाग भी आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 1/1000 mm, बी दिया है 2/100 mm, सी दिया है 1/1000 mm और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन बी 2/1000 mm। अगला है डायल कैलिपर का सिद्धांत है, डायल कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया है लीड और पिच, बी दिया है नट और बोल्ट, सी दिया है एक ही माप के दो स्केल के अंतर, और ऑप्शन डी दिया है रैक और पिनियन। दोस्तों डायल कैलिपर का जो सिद्धांत होता है वह रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, डायल कैलिपर किस लिस्ट काउंट में नहीं मिलते, जो डायल कैलिपर होता है वो किस लिस्ट काउंट में नहीं मिलते। दोस्तों आप यहाँ लिस्ट काउंट आप समझ रहे होंगे कि लिस्ट काउंट किसे कहते हैं, लिस्ट काउंट मतलब उसे कहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा लिया गया सबसे छोटा माप, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहते हैं, जिसको हम अल्पतमांक भी कहते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है कि डायल कैलिपर किस लिस्ट काउंट में नहीं मिलते हैं। ऑप्शन ए दिया है 0.1 mm, बी दिया है 0.01 mm, सी दिया है 0.02 mm, और डी दिया है 0.05 mm। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 0.1 mm में जो होते हैं वह डायल कैलिपर के लिस्ट काउंट नहीं होता। अगला है वर्नियर कैलिपर निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है। ऑप्शन ए फोर्ज स्टील, बी कास्ट स्टील, सी दिया है स्टेनलेस स्टील, और डी दिया है हाई कार्बन स्टील। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें आपको पूछा गया है वर्नियर डेप्थ बार अटैचमेंट जुड़ी होती है, जो वर्नियर की डेप्थ बार होती है किस अटैचमेंट के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन ए फिक्स जॉस है, बी मूवेबल जॉस, सी वर्नियर स्केल, और डी दिया है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी मूवेबल जॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अंदरूनी माप इनसाइड माइक्रोमीटर से मापना संभव नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सा माप जो है वो अंदरूनी इनसाइड माइक्रोमीटर से हम नहीं माप सकते। ऑप्शन ए दिया है 10.45, ऑप्शन बी दिया है 26.35, ऑप्शन सी दिया है 76.20, और ऑप्शन डी दिया है 110.55। दोस्तों यहाँ पे मेरी थोड़ी हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाती है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, मेरी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं तो भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लैंग्वेज में लगातार सुधार ला रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 26.35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें आपको पूछा गया है कि डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज बदलने के लिए किस पार्ट का प्रयोग किया जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर की आपको रेंज बदलना है, उसके लिए किस पार्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इनसाइड माइक्रोमीटर से मापना संभव नहीं है, तो इससे हम 10.45 जो है माप नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको आप सुधार लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें आपको पूछा गया है कि डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज बदलने के लिए किस पार्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए थिम्बल, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी अंशांकित स्लीव, और ऑप्शन डी दिया है विस्तारक छड़। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विस्तारक छड़ होता है, जिसकी सहायता से अपन डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है 0.03 mm, वह 25.52 mm मतलब 25.52 mm माप दर्शा रहा है, इसका सही माप होगा। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है आपको, नेगेटिव एरर दी है, और वो कितनी दी है 0.03 mm दी है, और वह जो माप दर्शा रहा है वो कितना दर्शा रहा है 25.52 mm माप दर्शा रहा है, इसकी सही माप होगी। ऑप्शन ए दिया है 25.50 mm, ऑप्शन बी दिया है 25.55 mm, ऑप्शन सी दिया है 25.57 mm, और ऑप्शन डी दिया है 25.60 mm। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब देखिए जब माइक्रोमीटर हो या वर्नियर कैलिपर्स हो, यदि उसमें नेगेटिव एरर होती है तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, नेगेटिव एरर जितनी होती है उसमें जोड़ देते हैं, और उसका क्या होता है एक्चुअल डिवीजन होता है, और पॉजिटिव एरर होता है तो घटा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 25.52 mm में 0.03 mm जोड़ देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 25.55 mm। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25.55 mm। अब इसमें आपको कौन सी दी है, धनात्मक त्रुटि दी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऋणात्मक त्रुटि में जोड़ते हैं और धनात्मक त्रुटि में घटा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम 19.38 mm में से 0.04 mm को घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 19.34 mm। अगला है
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक होता है, जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका आपको अल्पतमांक पूछा है कितना होता है। ऑप्शन ए 1 डिग्री, बी दिया है 1 मिनट, सी दिया है 1 इंच और डी दिया है 5 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी 5 मिनट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसमें पूछा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की मेन स्केल और वर्नियर स्केल के भाग बराबर होते हैं। मतलब इसमें आपको पूछा गया है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की मेन स्केल कितने भाग होते हैं और उसके बाद पूछा है वर्नियर स्केल के कितने भाग के बराबर होते हैं। मतलब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मेन स्केल और वर्नियर स्केल के भाग बराबर होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 23-12, ऑप्शन बी दिया है 23-24, ऑप्शन सी दिया है 24-25 और ऑप्शन डी दिया है 49-50। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 23-12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और मैं थोड़ा स्क्रीन पे इसको छोटा कर देता हूँ। तो इसमें है चित्र में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा कौन सा कोण चेक किया जा रहा है, इसमें कौन सा कोण अपन चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है दाया कोण, ऑप्शन बी दिया है न्यून तीक्ष्ण कोण, ऑप्शन सी दिया है अधिक कोण और ऑप्शन डी दिया है सीधा कोण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यून तीक्ष्ण कोण। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है चित्र में, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आप ताकि आप लोग को अच्छा दिखे स्क्रीन पे। चित्र में दर्शाए गए 75 से 100 mm माइक्रोमीटर की रीडिंग है, इसमें अब आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों आपको माइक्रोमीटर को देखना है कि माइक्रोमीटर की जो रेंज है वो सबसे पहले आपको याद रखना है। तो माइक्रोमीटर की रेंज क्या है हमारे पास, एक्चुअली जो माइक्रोमीटर पाए जाते हैं वो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, मतलब 25-25 mm की रेंज में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो माइक्रोमीटर दिया है वो कितने रेंज का दिया है, 75 से 100 mm के माइक्रोमीटर मतलब रेंज का दिया है। तो इसकी जो पहले 75 mm की रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपकी माइक्रोमीटर अपना कितना खुला है, कितना mm खुला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10, उसके बाद कितने लाइक दिख रहे हैं आपको ऊपर दिख रहे हैं 11, 12, 13। तो आपका हो गया 75 और 13, ये कितना हो गया आपका 88 हो गया, ठीक है। तो अब 88 दोस्तों आपको इसमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी में। अब उसके बाद हमें कौन सी थिम्बल डिवीजन को मैच करना है, तो थिम्बल डिवीजन देखिए इसमें एक नीचे की लाइन जो है, 3 लाइन के बाद एक नीचे की लाइन दिख रही होगी आपको खुली है। तो मतलब हमारा थिम्बल एक राउंड घूम चुका है, तो कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है, मतलब 0.50। और उसके बाद और वो घुमा है तो कितना घुमा है, 10, 11, 12 और 13। तो ये आपकी जो कुल रीडिंग हो जाएगी उसको हम जोड़ते हैं, तो इसमें जो मेन डिवीजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, मेन डिवीजन हो जाएगा आपका 88, थिम्बल डिवीजन कितना हो जाएगा 0.63, ठीक है। तो इसको अपन जोड़ देते तो ये हो जाता है हमारा 88.63 mm। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। स्किल इंडिया ITI चैनल देखने के लिए धन्यवाद।